राज्य सरकार के द्वारा व्यापारियों के नापतोल उपकरणों के सत्यापन को लोक सेवा गारंटी से जोड़ने पर प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के साथ खुलेआम होगा शोषण। सन 2011 में राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन में स्पष्ट निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं से जुड़े किसी भी मामले को लोक सेवा से पृथक रखा जाएगा। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन जिलाधार के उपाध्यक्ष सतीश वर्मा ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन में दिए स्पष्ट निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए नापतोल विभाग के मंत्री को गुमराह कर उपकरणों के सत्यापन को लोक सेवा गारंटी से जोड़कर व्यापारियों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं के साथ छल किया जा रहा है। इसके दुष्परिणाम बाद में देखने को मिलेंगे जब उपभोक्ता खुलेआम ठगाया जाएगा। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। ये पूरा मामला अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन की तरफ से आम व्यापारी आम उपभोक्ता को नुकसान हो रहा है लोक सेवा गारंटी से नापतोल उपकरणों के सत्यापन को जोड़ देने से उसके आधार के ऊपर रखा गया है। ये उसके अंदर क्या है, 25 सितंबर 2010 को जो नियम पास किया लोक सेवा गारंटी ने, उसका मूल उद्देश्य ये है कि जो लोग आवेदन करते हैं उनका समय सीमा में निराकरण किया जाए उनके आवेदनों का। नापतोल विभाग का जो नापतोल सत्यापन के उपकरण है वो समय सीमा पहले से निर्धारित थी उनकी, 1 साल 2 साल, और शिविर लगा के उनका काम करने का प्रावधान है 23 जून 2011 के राजपत्र में। उसके विपरीत इन्होंने लोक सेवा से जोड़ दिया इसको। नापतोल के नियम में साफ लिखा कि शिविर लगाया जाएगा, व्यापारी को सूचना पत्र देके बुलाया जाएगा, नापतोल उपकरण लेके मौके पर ही उनके नापतोल उपकरणों का सत्यापन किया जाएगा और प्रमाण पत्र वगैरह दिया जाएगा उनका, वहीं पे आय ली जाएगी उनकी। उसके विपरीत नापतोल विभाग ने लोक सेवा से जोड़ दिया। लोक सेवा के नियम में साफ लिखा कि ये चीज़ लोक सेवा से नहीं जुड़ेगी। व्यापार वाणिज्य और उत्पादन और विक्रय करने वाले इनके किसी के मामले लोक सेवा से नहीं जुड़ेंगे, उसके बावजूद उसके नियम के विरुद्ध जोड़ दिया गया है। इसके विरुद्ध हमने कार्रवाई करी थी, मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्री, खाद्य विभाग मंत्री, खाद्य सचिव, लोक सेवा अभिकरण को, लोक सेवा प्राधिकरण को, नियंत्रक नापतोल भोपाल को, जिसमें मंत्री महोदय ने साफ लिखा उसमें कि जवाब मांगा इनसे, तो सचिव से मांगा खाद्य सचिव, तो सचिव ने कंट्रोलर को, नापतोल के कंट्रोलर साहब ने उसमें भ्रमित करने वाला जवाब दिया और मामला हटानी। और उसके बाद हम लोग उच्च न्यायालय गए, वहाँ भी इनने हम वकील को लालच दे के और जो कागज़ पेश करना था लोक सेवा के वकील ने किए नहीं और उसको प्रकरण को करके वो करवा दिया इनने। तो इन्होंने लोक सेवा गारंटी का नियम का दुरुपयोग करा और अदालत से गलत लाभ लिया, अदालत को भ्रमित करके ये सारी चीज़ें। इससे अगर समय पर सत्यापन व्यापारी नहीं कराएगा, फिजूल खर्ची बढ़ेगी आने जाने की उसकी लोक सेवा से जुड़ने से। दूसरी चीज़, अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा इसलिए वो कराएगा नहीं, और अगर सत्यापन नहीं कराता नापतोल का उपकरणों का तो उससे नुकसान उपभोक्ता का होगा। अपन ये चाहते हैं कि उसको लोक सेवा से जो नियम में लिखा है कि नहीं जुड़ना, इसको जो नियम में लिखा है उसके आधार पर हटाया जाना चाहिए इसको। और जिस प्रकार से नापतोल के नियम में लिखा है मौके पर जाकर सेवा देना नापतोल उपकरणों की, उसी प्रकार से जाकर सत्यापन होना चाहिए इनका। अगर नहीं होगा तो इससे उपभोक्ता का नुकसान होगा, समय पर सत्यापन नहीं होने से व्यापारी भागदौड़ से बचेगा, कराएगा नहीं सत्यापन अपने नापतोल के उपकरण का, और शासन को उसकी आय का भी नुकसान होगा समय पर काम नहीं होने का। और तीसरी चीज़, इससे जो गरीब लोग नापतोल के जुड़े हुए हैं उससे काम करने वाले छोटे लोग जो मौके पर, वो भी उनकी भी रोजी रोटी संकट में पड़ जाएगी, चार जनों का नुकसान होगा इसके अंदर। इसलिए इसको हटाया जाना चाहिए नियम के अंतर्गत, जैसा कि किताब में लिखा लोक सेवा गारंटी के, और नापतोल के नियम में लिखा मौके पे ही काम करने का, जिस तरीके से उसी तरीके से होना चाहिए। मैं अखिल भारतीय उपभोक्ता संगठन का जिला उपाध्यक्ष हूँ पूरे धार जिले का, और ऐसे कई मामले मेरे द्वारा उठाए गए, हमारे संगठन के द्वारा उठाए गए, बिजली के मीटरों के बारे में, और आपके राज्य सूचना की बेंच धार में लगवाई हमने, और कई मामले ऐसे जो उपभोक्ता का न्याय दिलाने के लिए हमने लड़े हैं, और ये भी आम उपभोक्ता से जुड़ा मामला है। अगर ये नहीं हटता है तो प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ता लोग इससे प्रभावित होंगे असत्यापित उपकरणों से खरीदी के कारण। और दूसरी चीज़, सरकार को भी नुकसान होगा आय का, और ये जो चीज़ नहीं है जुड़ने की वो गलत जुड़ी गई है इसको, और अदालत से भी गलत लाभ लिया, इसलिए इसकी पूरी जांच होना चाहिए और दोषी जो भी अधिकारी लोग उनकी कार्रवाई होना चाहिए गलत चीज़ जोड़ने की, ये हमारी मांग है। Subscribe now to most exciting channel ever.